तो देखिए, जिस तरीके से नतीजे सामने आए, काफी दिलचस्प आंकड़े सामने आए और इसी के साथ कई सवाल भी खड़े हो गए, क्योंकि एक बार फिर से सरकार रिपीट होने तो जा रही है लेकिन कई सवाल खड़े हो गए हैं। जैसे 400 पार का जो नारा दिया था, आखिर 300 के आंकड़े तक भी अगर एनडीए नहीं पहुंच पाया तो इसके पीछे की वजह क्या है। कई ऐसे तमाम सवाल हैं जिससे हम समझेंगे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आप कई मेहमान भी देख रहे हैं, मेरे साथ यहाँ पर संदीप जी हैं, साथ ही आप विनोद जी को देख रहे हैं, मेरे साथ यहाँ पर राकेश जी भी हैं और साथ ही मनोज जी भी मेरे साथ हैं। मैं आप सबके पास आऊँगी और आप समझाइएगा कि आपके नज़रिए से ये किस तरीके का मैंडेट है, किस तरीके के आंकड़े हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पवन जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। देखिए, जश्न दोनों तरफ मनाया जा रहा है, विपक्ष भी जश्न मना रहा है तो सरकार भी जश्न मना रही है, बीजेपी भी जश्न मना रही है। आप इन नतीजों को किस तरीके से देख रहे हैं, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर? वो जश्न मना रहे हैं कि उनको लगता है फिर से वो सत्ता में आकर फिर से अपने दोस्तों को कमाई करवाएंगे। वो दोस्त जो हमारे पास कभी टेम्पो भेजते नहीं है, कहते हैं टेम्पो भर के भेजते हैं। हमारा जश्न इस बात का है कि एक ऐसे अहंकारी व्यक्ति का घमंड इस देश की जनता ने, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने तोड़ा, जो अपने आप को वाकई भगवान का अवतार मानने लग गए थे। उनके लिए नड्डा जी कहते थे ये नरों के नहीं सुरों के भी इंद्र हैं। संबित पात्रा जी कहते थे ये भगवान जगन्नाथ इनके भक्त हैं। ऐसे व्यक्ति का दंभ तोड़ना बहुत आवश्यक था। और जिस व्यक्ति ने अयोध्या में राम भगवान के मंदिर को राजनीतिकरण किया, उसका राजनीतिक दुरुपयोग करने की कोशिश की, वहाँ वो अयोध्या की सीट उनकी पार्टी हार गई। उस व्यक्ति को वाराणसी में जितना मार्जिन मिला उससे ज़्यादा मार्जिन किशोरीलाल शर्मा जी लेकर आए, उन्होंने स्मृति ईरानी को उससे ज़्यादा मार्जिन से हरा दिया। और उस राज्य में जहाँ से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं, वाराणसी जहाँ है उत्तर प्रदेश, वहाँ भाजपा की क्या स्थिति हुई, ये देखकर हम बहुत वाकई मन को संतुष्टि मिली है। ठीक है, आप अपने आंकड़े गिना रहे हैं लेकिन अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधित किया अपने कार्यकर्ताओं को और उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष भी उतने नंबर नहीं लेकर आ पाया जितने हम नंबर ले आए हैं। तो इसे आप कैसे देखेंगे, क्योंकि ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि जनादेश तो हमें ही मिला है, भरोसा तो हम पर ही किया गया है, वो अब भी ये कह रहे हैं। शिरीन जी हाँ, हमारे खाते सील कर दो, हमारे पीछे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा दो, हमारे तमाम संसाधनों पर रोक टोक करते रहो, हमारी पार्टियां तोड़ दो, उसके बाद कहो देखा हमारा मुकाबला नहीं कर पाए। हमारे हाथ पांव बंधे होने के बावजूद अगर आज हमने इनको परेशान करके रख दिया और अभी आने वाले दिनों में और परेशान करेंगे, आने वाले घंटों में भी और शायद परेशान कर सकें, तो हमारे लिए अच्छा है, इस देश के लिए अच्छा है, इस देश के संविधान के लिए अच्छा है और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री जी हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। विनोद जी। पवन जी नमस्कार, बधाई हो आपको अच्छे प्रदर्शन के लिए। प्रणाम। ये बताइए कि जिस तरह से जो नंबर आए हैं और 232 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन है, 293 पर एनडीए है, क्या आप लोग सरकार बनाने का दावा करेंगे और अगर दावा करेंगे तो क्या एनडीए गठबंधन के कुछ साथियों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास करेंगे? आप देखिए विनोद जी, आपने मुझसे कहीं ज्यादा राजनीतिक अनुभव पाया है, बड़े वरिष्ठ हैं आप। राजनीति कोई ऐसी स्थिर चीज़ नहीं होती, उसमें अस्थिरताएं होती हैं, उसमें डायनामिज्म होता है, राजनीतिक रिश्तों में बहुत डायनामिज्म होता है और एक रात तो बहुत लंबी होती है राजनीति में, इससे ज़्यादा आप क्या बोल सकते हैं। आपने खुलकर इस पर जवाब दिया नहीं विनोद जी, के साथ साथ हम सब भी उम्मीद कर रहे थे कि आप इस पर बताएं। खैर चलिए, आपकी रणनीति हो सकती है और वो भी आगे सामने आ ही जाएगी। बहरहाल शुक्रिया आपका पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।